अभी कुछ ही दिनों पहले सोनिया परी की शादी तय हुई थी। सोनिया अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी पर परियों के लिए जादुई लहंगा और सैंडल बनाने वाली एक जादूगरनी रहती थी। परी देश में जब भी किसी परी की शादी होती तो वह सभी परियां उसी जादूगरनी से अपना लहंगा और सैंडल तैयार करवाती थी। सोनिया परी ने भी जादूगरनी को लहंगे और सैंडल का ऑर्डर दे रखा था। फिर एक दिन, सोनिया तुम्हारा लहंगा और सैंडल तैयार कर दिया है, तुम आज शाम अपना सामान लेकर चली जाओ, कल मुझे मेरी बहन के घर जाना है। ठीक है आंटी, आज शाम को आपके घर आ जाऊंगी। फिर शाम को सोनिया पृथ्वी की ओर जाने की तैयारी करने लगती है। बेटी अब तो अंधेरा होने वाला है, तू इस वक्त कहाँ जा रही है? माँ मेरा जादुई लहंगा और सैंडल तैयार हो गई है, मैं उन्हें लेने जा रही हूँ। नहीं नहीं बेटी, आज अमावस की रात है, आज तू पृथ्वी पर मत जा, वहाँ जंगल में खतरनाक चुड़ैले घूमती हैं। आज के दिन उनकी शक्तियाँ बहुत बढ़ जाती हैं, इसीलिए तू कल चली जाना। नहीं नहीं माँ, कल तो जादूगरनी आंटी अपनी बहन के यहाँ जाने वाली हैं, मुझे आज जाकर ही लहंगा और सैंडल लानी होगी। और वैसे भी माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अपना ख्याल रख सकती हूँ, तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। उसके बाद सोनिया परी पृथ्वी की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में एक जंगल के करीब पहुंचते ही तभी उसे वहां सड़क के किनारे एक छोटी बच्ची रोते हुए दिखाई देती है। अरे सुनसान जगह पर छोटी बच्ची क्या कर रही है? उसके बाद सोनिया छोटी बच्ची के पास पहुंचकर उससे बात करने लगती है। अरे क्या हुआ बेटी, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? आज स्कूल से लौटते समय मुझे काफी देर हो गई, अब अंधेरा हो गया है, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे जंगल पार करने में डर लग रहा है। मैंने सुना है आज के दिन जंगल में खतरनाक चुड़ैले घूमती है, इसीलिए मैं जंगल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें घर पहुँचा दूंगी, तुम मुझे अपने घर का रास्ता बताओ। उसके बाद सोनिया परी बच्ची का हाथ पकड़कर जंगल के अंदर प्रवेश कर लेती है। उस बच्चे के बताए हुए रास्ते पर चलने लगती है। थोड़ी ही देर के बाद वह बच्ची सोनिया परी को लेकर एक गुफा के सामने पहुंच जाती है। फिर अगले ही पल वह छोटी बच्ची एक खतरनाक चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है। अरे ये क्या, छोटी बच्ची अचानक चुड़ैल कैसे बन गई? तुझे अपने जाल में फंसाने के लिए मैंने यह चाल चली थी, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, आज मैं पेट भर के तेरा मुलायम मांस खाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल एक बड़ी तलवार प्रकट कर लेती है। मुझे फौरन कोई उपाय सोचना होगा, वरना यह चुड़ैल मुझे जान से मार देगी। तभी सोनिया परी की नज़र थैली में रखे जादुई लहंगे और जादुई सैंडल पर पड़ती है। देखो मेरे पास जादुई लहंगा और जादुई सैंडल है, तुम इन्हें रख लो और मुझे जाने दो। इतना कहकर सोनिया परी थैली से लहंगा और सैंडल निकालकर चुड़ैल को दिखाने लगती है। लहंगे और सैंडल की खूबसूरती देख चुड़ैल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे वाह, ये लहंगा तो सच में बहुत खूबसूरत है, पूरे जंगल में किसी भी चुड़ैल के पास इतना खूबसूरत लहंगा नहीं है, और ये सैंडल तो सच में कमाल की है। देखो इन दोनों सैंडल को पहनकर तुम हवा में उड़कर तेज रफ्तार से कहीं भी जा सकती हो, और हाँ ये जादुई लहंगा तुम्हें रोज तुम्हारा मन पसंद का खाना देगा। यह सुनकर चुड़ैल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह उसी वक्त जादुई लहंगे और दोनों सैंडल को पहन लेती है। सुन जादुई लहंगे, मुझे बहुत भूख लगी है, चल जल्दी से मेरे लिए हट्टे कट्टे इंसान को प्रकट कर। लेकिन अगले ही पल चुड़ैल गोल गोल घूमने लग जाती है। अरे अचानक मैं गोल गोल कैसे घूमने लगी, मुझे चक्कर आ रहा है, अरे कोई बचाओ मुझे, मेरा सर घूम रहा है, हाय हाय। तभी वे दोनों सैंडल चुड़ैल के पैरों से बाहर निकलकर उसके सर पर वार करने लगती है। हाय मर गई रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, हो। फिर वह जादुई लहंगा अपनी शक्ति से चुड़ैल को हवा में उड़ाकर उसकी चोटी को पेड़ की डाली से बांध देता है। क्यों चुड़ैल, जादुई लहंगा और सैंडल पहनकर मजा तो आ रहा है ना? अरे धोखेबाज, तूने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया? तेरे जैसी धोखेबाज चुड़ैल के साथ ऐसा ही करना चाहिए। उसके बाद जादुई लहंगा चुड़ैल के शरीर से अलग हो जाता है और अगले ही पल जादुई लहंगे से आग निकलकर चुड़ैल के शरीर को जलाने लगती है। अरे नहीं, मेरा शरीर जल रहा है, अरे कोई बचाओ मुझे। इस तरह वह धोखेबाज चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। उसके बाद सोनिया परी अपना जादुई लहंगा और सैंडल उठाकर वापस परी देश चली जाती है।
सीतापुर नाम के गांव में संजना नाम की एक लड़की अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ रहती थी। संजना की सौतेली माँ जानकी अपनी बेटी कोमल को बहुत प्यार करती थी। दूसरी तरफ संजना हमेशा माँ के प्यार के लिए तरसती रहती थी। फिर एक दिन, अरे जानकी, संजना के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। पड़ोस के गांव में रहने वाले जमींदार ने संजना को एक शादी में देखा था। उसे संजना बहुत पसंद आई और वह अपने बेटे की शादी उससे करवाना चाहता है। क्या कहा? वो जमींदार संजना को अपने घर की बहू बनाना चाहता है? नहीं नहीं, संजना इस लायक नहीं है। मैं तो अपनी बेटी कोमल की शादी उस जमींदार के बेटे से करवाऊंगी। संजना के लिए कोई गरीब घर का लड़का देखकर इसकी शादी करवा दूंगी। फिर अगले दिन जानकी अपनी बेटी कोमल को लेकर, जमींदार जी, संजना बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की है। उसे घर के काम जरा भी नहीं आते, साथ ही वे बड़ों की इज्जत भी नहीं करती। अगर आप उसे अपनी घर की बहू बनाओगे तो वह आपके घर को पूरी तरह बर्बाद कर देगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बेटी कोमल को अपने घर की बहू बना लीजिए। नहीं नहीं, मैं इस लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकता। पिछले हफ्ते ही मैंने इसे कॉलेज के बाहर सिगरेट पीते हुए देखा था। अरे, ये लड़की बहुत बुरी है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। संजना तुम्हारी सौतेली बेटी है, इसलिए तुम उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मैंने संजना को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया है। अगले हफ्ते ही मैं अपने बेटे की शादी संजना से करवा दूंगा। जमींदार की बात सुनकर जानकी को बहुत गुस्सा आता है और वह मुंह बनाकर अपनी बेटी के साथ वहां से निकल जाती है। माँ, आखिर उस संजना ने जमींदार पे ऐसा कौन सा जादू किया है जो वह उसे अपनी बहू बनाने के लिए इतना उतावला हो रहा है? वह लोग बहुत अमीर हैं। अगर संजना उस घर की बहू बन गई तो वह जिंदगी भर राज करेगी। नहीं नहीं माँ, कुछ भी करके उसकी शादी तुड़वानी होगी। हाँ बेटी, तू ठीक कहती है। मैं संजना की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर अगले दिन दोनों माँ बेटी खतरनाक जादूगरनी के पास पहुंचकर उसे भूतिया दवा खरीद कर घर ले आती है। रात को जब संजना खाना खाने की तैयारी कर रही थी, तभी वह दोनों चुपके से उसके खाने में भूतिया दवा मिला देती है। फिर उस खाने को खाते ही संजना एक मुर्गी के रूप में बदल जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। अब ये संजना जिंदगी भर मुर्गी बनकर रहेगी और किसी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं अभी इसे उठाकर घर के बाहर फेंक देती हूँ। फिर कोमल मुर्गी बनी संजना को उठाकर घर के बाहर फेंक देती है। फिर अगले दिन जमींदार अपने बेटे और पत्नी को लेकर संजना से मिलने आता है। मैंने कहा था ना, वो लड़की बहुत बुरी है। वह अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर भाग गई है। अब वो आपको कभी नहीं मिलेगी। देखिए, अभी भी मौका है आपके पास, मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना सकते हैं। लेकिन जमींदार और उसका परिवार मुंह बनाकर वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मुर्गी बनी संजना भटकती हुई जंगल की ओर चली जाती है। संजना एक पत्थर के ऊपर बैठकर अपने इस रूप पर आंसू बहा रही थी, तभी अचानक एक बड़ा सा सांप संजना पर हमला कर देता है। बेचारी संजना अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है। तभी आसमान से गुजर रही दिव्यानी नाम की परी उसे देख लेती है। दिव्यानी परी को उसी वक्त संजना की असलियत पता चल जाती है। फिर वह फौरन अपनी जादुई छड़ी घुमाकर उस सांप को हवा में उड़ाकर वहां से बहुत दूर फेंक देती है। उसके बाद दिव्यानी परी संजना को लेकर अपने घर चली जाती है। दिव्यानी के घर पर जादुई लहंगे का एक पेड़ मौजूद था। दिव्यानी फौरन मुर्गी बनी उस संजना को पेड़ की डाली पर बैठा देती है और अगले ही पल संजना अपने असली रूप में आ जाती है। यह देख संजना बहुत खुश होती है। उसके बाद दिव्यानी परी पेड़ से एक जादुई लहंगा तोड़कर संजना को पहना देती है। उस लहंगे को पहनते ही संजना के हाथ में परियों की तरह एक जादुई छड़ी प्रकट हो जाती है। मुझे मेरे असली रूप में लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। कोई बात नहीं, तुम्हारी मदद करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये जादुई लहंगा हमेशा तुम्हारी मदद करेगा और साथ ही इस जादुई छड़ी के जरिए तुम जो चाहे वो कर सकती हो। उसके बाद संजना उस परी का शुक्रिया अदा कर अपने गांव लौट जाती है। अचानक संजना को देख कोमल और कावेरी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तुम दोनों ने हमेशा मुझ पर अत्याचार करके मुझे बहुत दुख पहुँचाया है। आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद संजना अपनी जादुई छड़ी घुमाकर उन दोनों को मुर्गी के रूप में बदल देती है। फिर मुर्गी बनकर दोनों माँ बेटी गांव की सड़कों पर भटकने लगती है। इस तरह संजना उन दोनों दुष्ट माँ बेटी को सबक सिखाकर उन्हें उनके बुरे कर्मों की सजा देती है। दूसरी तरफ संजना जमींदार के घर जाकर उसे सारी असलियत बता देती है। उसके बाद जमींदार संजना की अपने बेटे से शादी करवाकर उसे अपनी बहू बना लेता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और संजना अपने ससुराल में हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। गोपी एक बहुत ही गरीब लड़की थी।
साथ ही वो अनाथ भी थी। वो अपने गुजारे के लिए एक साइकिल पंचर की दुकान चलाती थी। दूसरी तरफ गोपी गांव के पास वाले कॉलेज में पढ़ाई भी कर रही थी ताकि वो पढ़ लिख कर इंजीनियर बन सके। इसी तरह एक दिन गोपी अपनी क्लास में पढ़ाई कर रही थी, तभी उसकी क्लास में पढ़ने वाली कंचन नाम की लड़की उसे ताना मारते हुए कहती है, सुन गोपी, तू एक गरीब लड़की है और हम सब अमीर लड़कियां हैं, इसीलिए अब से तू हमारी बराबरी में नहीं बैठेगी, तुझे जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ेगा। अचानक तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बेकार की बातें मत कर, तेरे ये मैले कपड़ों से बहुत बदबू आती है। हाँ कंचन, तूने सही कहा, इसके पुराने कपड़े इतने मैले हैं, इसमें तरह तरह के दाग लगे हुए हैं, पता नहीं ये इन कपड़ों को पहनकर कैसे रह लेती है। मैं अपनी दुकान पर इन्हीं कपड़ों को पहनकर काम करती हूँ, मेरे पास नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि मैं जो भी पैसे कमाती हूँ वो सारे पैसे कॉलेज की फीस में खर्च हो जाते हैं। देख, हमें तेरी बकवास नहीं सुननी, तेरे साथ बैठने से हमारी बेइज्जती होती है, इसीलिए तू नीचे बैठकर पढ़ाई कर, चल उठ यहाँ से। उसके बाद मजबूर होकर गोपी जमीन पर बैठ जाती है। इस तरह गरीब होने की वजह से कॉलेज में उसके साथ भेदभाव किया जाता था। फिर एक दिन गोपी अपनी दुकान पर काम कर रही थी, तभी वहाँ कंचन आ जाती है। सुन गोपी, मेरी साइकिल का टायर पंचर हो गया है, चल जल्दी से इसे ठीक कर दे। फिर गोपी टायर खोलकर देखने लगती है। अरे, तुम्हारा टायर तो पूरी तरह कट चुका है, अब तुम्हें नया टायर डलवाना होगा। अरे तूने मुझे पागल समझ रखा है क्या? नया टायर डालने के बहाने तू मुझे लूटना चाहती है, लगता है तूने ही जानबूझकर मेरे टायर को काटा है। अरे ये तुम क्या कह रही हो, मैंने तो तुम्हारे सामने साइकिल का टायर खोला है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तूने मेरे टायर को काटकर खराब कर दिया, इसीलिए बदले में अब तुझे नया टायर देना होगा। चल चुपचाप दुकान पर रखा नया टायर मेरी साइकिल में लगा दे, वरना ठीक नहीं होगा। नहीं नहीं, ये टायर बहुत महंगा है, मैं तुम्हें मुफ्त में नहीं दे सकती। अच्छा ये बात है, ठहर जा, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। उसके बाद कंचन अपनी सहेलियों को फोन करके वहाँ बुला लेती है। फिर वो सभी लड़कियाँ गोपी की पिटाई करके उसकी दुकान में आग लगा देती है। अरे नहीं, मेरी दुकान में आग लग गई, अरे कोई आग को बुझाओ। बेचारी गोपी दुकान पर लगी आग को बुझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन देखते ही देखते उसकी दुकान जलकर राख हो जाती है। दूसरी तरफ कंचन और उसकी सहेलियां हंसते हुए वहां से चली जाती हैं। आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे इतना बुरा जीवन जीना पड़ रहा है? बस बहुत हो गया, अब मैं और जिल्लत की जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं अभी जाकर आत्महत्या कर लूंगी। उसके बाद गोपी पेड़ के ऊपर एक बड़ी सी रस्सी बांध देती है। दूसरी तरफ पेड़ पर बैठी चिड़िया ये सब देख रही थी। अरे नहीं, लगता है ये लड़की आत्महत्या करने वाली है, मुझे इसे बचाना होगा। इसके बाद वो चिड़िया गोपी के पास पहुंचकर उसे समझाने लगती है। देखो लड़की, आत्महत्या करना पाप है, तुम आखिर आत्महत्या क्यों करना चाहती हो? गोपी रोते हुए चिड़िया को अपनी सारी आपबीती बता देती है। बस इतनी सी बात, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगी। फिर अगले ही पल वो चिड़िया विशाल रूप धारण करके गोपी को अपनी पीठ पर बैठा लेती है। उसके बाद वो चिड़िया हवा में उड़ते हुए एक पहाड़ी पर पहुंच जाती है। वहां पर एक कपड़े बनाने का बहुत ही सुंदर कारखाना था। उस कारखाने में बहुत सारी चिड़िया कपड़े बना रही थी। ये जादुई कारखाना है, मैं और मेरी सहेलियां मिलकर परियों के लिए जादुई कपड़े बनाते हैं। उसके बाद वो चिड़िया गोपी को एक सुंदर सा सलवार सूट दे देती है। तुम इस सलवार सूट को पहन लो, आज से ये सलवार सूट तुम्हारी रक्षा करेगा। उसके बाद गोपी सलवार सूट को पहन लेती है। गोपी मेरी प्यारी बहन, अब मेरे रहते तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, चलो सबसे पहले उन दुष्ट लड़कियों को सबक सिखाते हैं। उसके बाद सलवार सूट गोपी को हवा में उड़ाकर कॉलेज में ले जाता है। गोपी को एक खूबसूरत सलवार सूट में देख कंचन और उसकी सहेलियां हैरान हो जाती हैं। तभी सलवार सूट के अंदर से ढेर सारी चींटियां बाहर निकलकर कंचन और उसकी सहेलियों को काटना शुरू कर देती हैं। हाय मर गई रे, इतनी सारी चींटियां कहां से आ गई, अरे कोई बचाओ मुझे। अरे मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, अरे कोई बचाओ मुझे। ये तो सिर्फ एक नमूना था, अगर आज के बाद तुम सबने गोपी को परेशान किया तो मैं तुम सबके ऊपर खतरनाक सांप छोड़ दूंगा। अरे ये तो बोलने वाला जादुई सलवार सूट है,
देखो सलवार सूट हमसे गलती हो गई। आज के बाद हम गोपी को कभी परेशान नहीं करेंगे। दया करके तुम हमें चींटियों से बचा लो। फिर वो सभी लड़कियां घुटने पर बैठकर गोपी से माफी मांगने लगती हैं। ये देख गोपी बहुत खुश होती है। उसके बाद जादुई सलवार सूट वहां से सारी चींटियों को गायब कर देता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और उस दिन के बाद से कॉलेज की सभी लड़कियां गोपी से दोस्ती कर उसके साथ हंसी खुशी रहने लगती हैं।